और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जराय के हवाले से खबर आ रही है। उपचुनाव पर एसपी कांग्रेस से जुड़ी अहम खबर, मिशन उपचुनाव में जुटी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों पार्टी के बीच आपसी समझौता हो रहा है, ये जराय के हवाले से खबर मिल रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है, 10 में से कांग्रेस 3-4 सीटें चाहती है और सपा 1 या 2 सीट देना चाहती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन अब आखिरी मोहर किस पर लगती है ये देखना यहाँ पर अहम होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब बात बनती हुई नजर आ रही है। जल्द ही उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, और उसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अब एक राय कायम कर ली है, ऐसा माना जा रहा है। मिशन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जुटी हुई है और दोनों के बीच अब आपसी समझौता हो गया है। वहीं बंगाल मामले पर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी कर रही है सियासत, ये कहा अखिलेश यादव ने। यूपी की घटना पर नहीं बोलती बीजेपी, ममता बनर्जी समझती हैं महिलाओं का दर्द, ये तमाम बातें यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया, जिसके बाद माहौल काफी खराब हो गया है, लगातार जो आवाम है वो भी सड़कों पर उतरी हुई है, उसी को लेकर अब अखिलेश यादव ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है और कहा है कि बीजेपी यूपी में हो रही वारदातों पर तो कुछ बोलती नहीं है और अब इस तरह की सियासत इस मुद्दे पर करती हुई नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी को लेकर भी उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द समझती हैं। अखिलेश यादव ने यहां बीजेपी पर हमला बोला है और इसी अंदाज में इससे पहले भी वो अक्सर दिखते रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हैं, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे अखिलेश यादव और अब एक बार फिर उन्होंने उसी अंदाज में दिखाई दिए। मैं वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है और जो जो एक मुख्यमंत्री रहकर के फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी जो दोषी हैं उनके खिलाफ, जांच भी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए।